तबलीगी जमात से 3 महिलाओं का क्वारंटाइन सेंटर और उसके बाद जेल में रहने के बाद गर्भवती होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि क्वारंटाइन सेंटर और जेल में 111 दिनों से प्रशासन और पुलिस की निगरानी में रह रही तबलीगी जमात की 3 विदेशी महिलाएं गर्भवती हो गई हैं। यह हाल तब है जब क्वारंटाइन सेंटर और जेल में मिलने जुलने की पाबंदी थी। एक महिला का गर्भ अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से लेकर मई माह के पहले सप्ताह के बीच का है। 2 महिलाएं इनसे कुछ दिनों पहले की गर्भवती हैं, लेकिन किसी का भी गर्भ 3 माह से अधिक नहीं है। मंगलवार को यह मामला तब खुला जब तीनों तबलीगी महिलाएं उनके पति समेत 17 विदेशी जेल से बाहर निकले। हाईकोर्ट से इन्हें जमानत मिली है। खास बात यह है कि क्वारंटाइन सेंटर से जेल में प्रवेश के साथ ही मेडिकल के दौरान तीनों महिलाओं ने डॉक्टर को अपने गर्भवती होने की जानकारी दी थी। भारतीय जनता पार्टी अखबार में पार्टी अपना क्या बोल रही पता नहीं मुझे, और अखबार में भी हमने देखा है। ये जो मामला उठकर आता है कम से कम इस पर संज्ञान सरकार को है, और जांच उपरांत ही बात पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए इसका पर जो है अब संज्ञान में लिया गया है, उसको देखेंगे। देखने पर तो निश्चित तौर पर गंभीर है। कुदरत का करिश्मा कहें या सिस्टम की लापरवाही, लेकिन तबलीगी जमात की 3 महिलाएं जो 111 दिनों से पुलिस कस्टडी और क्वारंटाइन सेंटर में थी, वो गर्भवती हो जाती हैं। ये बड़ा ही सिस्टम के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि जिस समय वो क्वारंटाइन सेंटर में रहती हैं तो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग जगह बनाया जाता है, एक दूसरे के वार्ड में जाने की अनुमति नहीं होती है। तो ये जो सरकार है इसको इस पूरे मामले की गहन छानबीन करनी चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ, और इसके पीछे अगर कोई षड्यंत्र है या इसके पीछे अगर कोई अपराधी सक्रिय हैं तो उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहरहाल सरकार को इस पूरे मामले की तह तक जाकर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए।